फ्लैशलाइट। माँ ये कॉलेज है, कोई सर्वाइवल कोर्स नहीं। टॉवल्स, बैटरी चार्जर, फोन चार्जर। B22 तुम्हारा कमरा मिल गया। हाय 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 स्टेफ, तुम्हारे सामने मैं टेसा हूँ। ये मेरी नई रूममेट है और ये ट्रिस्टन है। हाय, मैं टेसा। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। सॉरी, ये मेरी माँ है और ये है नोहा। हेलो। हाय। सच बोलूँ तो मुझे बुरा लगा था कि एक फ्रेशर के साथ मुझे रूम दे रहे हैं। हेलो, ये अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी गाइड बन सकती हूँ। मैं तुम्हें सारी अच्छी जगह पे लेके जा सकती हूँ।
फेक आईडी के साथ। मॉम, तुम्हारा स्वेटर अच्छा है। शुक्रिया, मैंने ये गैप से खरीदा है। क्यूट। हम अभी सीधा हाउसिंग ऑफिस में जाएंगे और तुम्हारे कमरे को बदलने के लिए कहेंगे। क्या आप क्या कह रही हैं मॉम? उस कमरे में वीट की गंदी स्मेल आ रही थी। सीन मत खड़ा करिए। मैं नहीं कर रही हूँ, हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मॉम, ये मैं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। आप प्लीज मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? आई प्रॉमिस सब ठीक होगा। प्रॉमिस। तुम्हारे बिना घर बहुत खाली खाली लगेगा। मैं जानती हूँ। आई मिस यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू मॉम। आई लव यू मेरी बच्ची। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय, जल्दी मिलूंगी। ये लो, मुझे दे दो। इस दिन का ही डर था मुझे। मुझे भी। मैं तो तुम्हारी मम्मी के साथ गाड़ी में बैठने की बात कर रहा था। ठीक है। वो बंद है। हाँ, मैंने भी बहुत कोशिश करी सच थी। में। काफी जल्दी आ गए तुम। मजे करो। ओह, सॉरी, पहले आप। नहीं, मैं भूल रही हूँ, पहले आप। नहीं, आप जाइए। नहीं, सच में आप जाइए। माँ ने सिखाया। ठीक है। क्या तुम फर्स्ट ईयर में हो? हाँ। तुम भी इकोन मेजर से हो? प्लान तो वही है। तुम? इंग्लिश मेजर से। मेरा नाम लैंडन है वैसे। टेसा, हाय। हाय, नाइस टू मीट यू।
अब वो बस बकवास करता है। हेलो, मुझे एक कैपुचिनो चाहिए, आलमंड मिल्क और सिनेमन के साथ। और आप क्या लेंगे? मेरे लिए रेगुलर ब्लैक कॉफी प्लीज। और आप क्या लेंगे? एक अमेरिकानो प्लीज। ठीक है। थैंक्स। तुम भी ना, हमेशा बकवास करते रहते हो। अरे मैंने क्या? थैंक यू। थैंक यू। आज रात हम पार्टी में जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता। तुम चल रही हो, क्या तुम्हें मजे नहीं करने? हाँ मुझे करना है। तो अपना सामान उठाओ। हाँ ठीक है ठीक है। और तैयार हो जाओ पार्टी के लिए। कैसा है बोलो? ये मुझे पसंद है। सुंदर है पर ये थोड़ा ज्यादा ही फॉर्मल है। तुमने कहा था जैसी हो वैसी रहो। यू नो इट, तुम्हें पता है ये मुझे पसंद है। देखा यहाँ का हाल। हे ये रही मेरी बेबी। ये है। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ये रही मेरी बेबी। हे कैसी हो? हाय टेसा। हाय। मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। फिर से करो। तेरे चक्कर में मारा जाऊंगा। करो ना, मैं रिकॉर्ड करूंगी। हे गाइस, ये मेरी नई रूममेट है और ये मेरे दोस्त, मेरे खास दोस्त।
हे, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम जेड। तुम हार्डन से मिल चुकी हो, वो मॉली है। बैठो ना। क्यूट ड्रेस। और हाँ, ये जेस है, टॉनी। क्या हाल? तो तुम किस मेजर से हो? मैं बिजनेस के बारे में सोच रही हूँ या फिर शायद इकोनॉमिक्स। बहुत खूब। इन लोगों नहीं, मैं नहीं पीती। Come on, हम सब पी रहे हैं, एक ग्लास ले लो ना। बस एक। चलो थोड़ा सा। यार स्टेफ, इसे कहाँ से उठा कर लाई हो? तुम थोड़ा चुप रहोगी? ये देखो। एटेस, ठीक तो हो ना? ओके, तो गाइस, ट्रूथ और डेयर खेले? क्या? ट्रूथ और डेयर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं है। हमारे खेलने का तरीका अलग है। एटेस, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। कोई अजीब जगह जहां तुमने सेक्स किया हो? पास। क्यों, ये आसान सवाल है। रुको, क्या तुम वर्जिन हो? मैं डेयर। क्या बात है, डेयर? तुम्हारा डेयर है हार्डिन को किस करना। वो नहीं करेगी। हाँ, उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। जाओ। सच में करना चाहती हो? आसान है। मुझे अब ये खेल नहीं खेलना। यार लूजर वाली हरकतें मत करो। लड़की दमदार है। स्कॉट का पहला रिजेक्शन होता है ब्रो। हाय, मुझे लगा हम फेस टाइम करेंगे। हाँ, मुझे माफ करना। तुम कहाँ हो अभी? काफी शोर है। मैं स्टफ और उसके दोस्तों के साथ हूँ। वो सब ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता। तो तुम पार्टी में हो? क्या तुमने दारू पी है? मैंने बस एक ड्रिंक ली थी। ठीक है, तो तुम कॉलेज गई और अब तुम पीने लगी हो? बहुत अच्छी बात है टेसा। नोहा प्लीज, तुम ऐसे मत बोलो। क्यों ना बोलूं? मैं थोड़ी ना अभी कहीं पे पार्टी कर रहा हूँ। रहने दो। सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ ढूंढ रही हो क्या? क्या तुम नशे में हो? मैं शराब नहीं पीता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो मुझसे ज्यादा मुत्सा है। हमारी आत्माएं जिस चीज से बनी हैं,
उसकी और मेरी बिल्कुल एक जैसी है। ब्राउन टेरेसा ने एसएस किताब में कहा है। मुझे पता है कि ये ब्रोंटे है और मेरा नाम टेसा है। तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो टेसा? तुम्हारा कमरा? हाँ। हम अभी भी खेल रहे हैं क्या? क्योंकि मुझ पे एक ढेर उधार है तुम्हारा। रुको, रुको। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे जाना है। Hey. मुझे खुशी है कि मैं इसमें अकेला फ्रेशमैन नहीं हूँ। मुझे इंतजार है शुरू करने का। ऑल राइट क्लास, चलिए शुरू करें। जेन ऑस्टीन के मास्टरपीस, यहाँ पर प्राइड एंड प्रेजुडिस किस किसने पढ़ी है? तो आप लोगों को वो पढ़कर कैसा लगा? तो हमारे क्लास के न्यू कमर से पूछते हैं, हार्डन स्कॉट। प्राइड एंड प्रेजुडिस, एलिजाबेथ बैनेट को चिल मारना चाहिए। उसने डार्सी को उसके लायक से भी बदतर समय दिया। तो आप कहना चाहते हैं कि डार्सी को एलिजाबेथ से प्यार नहीं था? प्यार सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। इच्छाएं हम सब के अंदर होती हैं। हम अपने पसंदीदा ट्रेट्स का सही सेट प्रस्तुत करें और बूम, हम इसे जब चाहे ऑन और जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। यस मिस पैसा, मुझे लगता है कि आज तक मैंने जो पढ़ा है उसमें से ये सबसे क्रांतिकारी नॉवल है। उस युग की महिला के पास ताकत थी कि उसने किसी को रिजेक्ट किया जब उसके साथ गलत व्यवहार हुआ। ओफो। वो डार्सी का एटीट्यूड था जिसने एलिजाबेथ को उसकी ओर आकर्षित किया। डार्सी का एटीट्यूड रूड और मॉकिंग था। मुझे लगता है कि वो बहुत लकी था कि उसे ऐसी औरत के साथ रहने का मौका मिला। उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो उसके ऊपर डोरे डाल रही थी। डोरे डाल रही थी? वो उसके पीछे पागल। वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं थी और उसे जहाँ भी एक्साइटमेंट मिलता था वो वहाँ चली जाती थी। मेरे ख्याल से ये सिर्फ उसके दिमाग में था कि उसके मन में कोई फीलिंग्स थी। वेल, तुम्हें जवाब मिल गया। ये पावर है एक अच्छी किताब की। ये काफी एक्साइटिंग था। नहीं, काफी अनोइंग था।
मुझे तो मजा आया। सुनो, तुम जो भी सोच रहे हो मत सोचो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, समझे? मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारे बीच? मुझे तो लगा कि हम उस किताब के बारे में बात कर रहे थे। हे, क्या तुम कॉफी पीने चलोगी? कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? एलिजाबेथ बेनेट को शांत होने की जरूरत है। ऐसे ऐसे कौन कहता है? अब हार्डिन ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं? तुम जानते हो उसे? हाँ, वो एक तरह से मेरी फैमिली है। मेरी माँ चैंसलर स्कॉट को डेट कर रही है और चैंसलर स्कॉट हार्डिन के पापा है, और हार्डिन और मैं एक दूसरे को झेलते रहते हैं। उसके पिता चैंसलर है? हाँ। सुनो ऐसा, वो सिर्फ तुम्हें भड़काना चाहता है। वो कभी कामयाब नहीं होगा। इसमें सच में दर्द होता है। तुम्हें एक करवाना चाहिए। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। पहले एक बार डिजाइन तो देखो। ये वाला तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। या डाइस। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ सोच रखा है। जैसे नोहा के साथ मेरी शादी की तैयारी उन्होंने तब से कर रखी है जब मैं 5 साल की थी। रुको, तुमने आज तक सिर्फ नोहा को डेट किया है। काफी सैड है। संभाल के। देखो, इसके लिए मैं कभी मानने नहीं वाली। तुम आज रात बहुत सुंदर लग रही हो। क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। हाय। हाय। तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या मतलब? हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। मैं स्टेफ का दोस्त हूं और तुम उसकी रूममेट हो।
ये तुम क्या कर रहे हो? तैरने जा रहा हूँ। हॉर्डन, हॉर्डन, आ जाओ, मेरी शर्ट पहन लो, यहां काफी अच्छा लग रहा है। इधर मत देखना प्लीज। ठीक है, क्या हुआ? ये तुम पर ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? ना बोलूं तो नहीं पूछोगी क्या? तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? आसान है, खुद से। बिल्कुल, लगा ही था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? नोहा। नोहा, इसी कॉलेज का है? वो हाई स्कूल में है। हाई स्कूल? एक हाई स्कूल के बच्चे को तुम कैसे मिल गई? वो बहुत अच्छा है। अच्छा है? क्या ये बोरिंग का दूसरा मतलब नहीं है? हमेशा नहीं। तुम्हें कुछ दिखा सकता हूं? अपनी सांस रोको। शांति, अच्छा है ना? तुम्हें अजीब लगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि हम बस दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं।
हुए हैं। लेकिन वो फ्रेंच तो नहीं है। तुम्हारा प्लेट भरा हुआ है, देख नहीं रहा क्या? बिना केचप का चाहिए था। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। बिना केचप के? तुम अमेरिका की हो ना? मैं सरप्राइज से भरी हुई हूँ। तो तुम्हारी कहानी क्या है? मेरी कहानी? हाँ, मतलब तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ कैसे आए? बस मुझे नहीं लगता कि किसी के अतीत के बारे में इतने सवाल पूछने से तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। चल क्या रहा है?
driving in your car, and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else, watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me, why'd you have to go and make things so complicated? I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break, and you take what you get and you turn it into honesty. You promise me I'm never gonna find you faking. No, no, no. तुम यहाँ तुम किसका सपना देख रही हो? सरप्राइज। तुम यहाँ हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो तुम? थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? थैंक यू। ठीक है तो बताओ हम कहाँ चले?
हे, आने के लिए शुक्रिया। हुआ क्या है? उसके पिता के बारे में झगड़ा शुरू हो गया और फिर तुम्हारा नाम आया बीच में। मुझसे वो बात नहीं करेगा तो मुझे लगा कि शायद तुमसे बात कर ले। वो कहाँ है? यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम्हें तो अभी अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए ना। नोहा को इसमें मत लाओ। मुझे लगा तुम पीते नहीं हो। नहीं पीता। खैर, इसे क्या फर्क पड़ता है? तुमने काफी तमाशा किया। मैं पार्टी कर रहा था, तुमने सुना नहीं क्या? मेरे प्यारे पापा शादी कर रहे हैं और मेरी माँ लंदन के किसी कूड़ेदान में रहती है। तुम्हें नहीं लगता तुमने ज्यादा पी ली? रहने दो, मैं साफ कर लूंगा। तेरे की। चलो मेरे साथ। मेरे बर्ताव के लिए माफ करना। अगर तुम नहीं करते डेट, तुम ऐसा महसूस करते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी महसूस करता हूं। मुझ में गड़बड़ है।
हे, तुम ठीक हो? कहाँ थी तुम? कितने मैसेज किए? तुमने जवाब नहीं दिया। I'm sorry, मेरा फोन ऑफ हो गया था। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी। नोहा और मेरा ब्रेकअप हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपना दोस्त खो दिया। मेरे पास आ मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब मेरे डैड चले गए थे तब मैं 10 साल की थी। उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
चलो चलो चलो, लाइब्रेरी बंद होने वाली है। मेरे साथ आओ। क्या? चलो। कहाँ? नीचे। तुम मुझे आग की ओर खींच सकती हो, मुझे पानी की ओर खींच सकती हो, मुझे फांसी के फंदे तक खींच सकती हो, चाहे कैसी भी गहराई हो, तुम मुझे किसी भी चीज की ओर खींच सकती हो। ये और मेरे विचारों का भ्रम, ताकि मैं कहीं का ना रहूं। तुम मेरी बर्बादी हो, इससे मेरा यही मतलब है। तुम रुक क्यों गए? तुम हमेशा क्या लिखते रहते हो? तुमको सब जानना है ना? दिखाओ ना। नहीं। दिखाओ। बोला ना नहीं। मैं बस देखना चाहती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं। कौन है ये लड़का, बताओगे तुम? तो तुम क्लास जाने के बजाय इसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हो? नहीं। मुझे जाना चाहिए। तुम्हें लगता है? क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं, प्लीज प्लीज? तुम जाओ, तुम मेरे साथ आओ। तो तुम
मेरे साथ मजाक कर रही थी। तुम्हारी रूममेट को देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाली हो। आप ये क्या बोल रही हैं? इतना सब कुछ करने के बाद तुम एक लड़के के लिए खुद को बर्बाद कर रही हो? तुम होश में हो? आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पहले उस लड़के से ब्रेकअप करो और तुम्हें फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। आपको पता है आपके परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे रहना आपने जैसा चाहा मेरी जिंदगी को वैसा कर दिया। लेकिन मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया। I'm so so sorry माँ, आपकी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चली वाकई में। क्यों? हार्डिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ मुझे पता है, पर मेरे साथ वो अलग है। बस अपना ध्यान रखना। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम कहाँ थे? अंदर आओ, सब बताता हूँ। तैयार हो ना? हाँ। पक्का ना? हाँ। तुम्हारा मतलब है हम साथ में रहेंगे? अब जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैसे नहीं देंगी तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। हम यहाँ रह सकते हैं पूरे साल के लिए, सिर्फ मैं और तुम। तुमने ये मेरे लिए किया?
फिर से नहीं। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कोई भी मेरी फीलिंग्स को बदल नहीं सकता जो तुम्हारे लिए है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इसके लिए मना लिया। एक शादी का रिसेप्शन है, तुम्हें जेल नहीं भेज रहे हैं। मैं कैरीन हूँ। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। कांग्रेचुलेशंस। आने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आए। लेंदो ने बताया तुम प्रोफेसर सोटो के सेमिनार में। हाँ। तुम इंग्लिश मेजर में हो। काश, मेरा तो मन है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो मुझे बिजनेस या इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। अगर तुम्हारा मन लिटरेचर के बिजनेस साइड में है तो मेरे एक दोस्त की पब्लिशिंग कंपनी है। आपका मतलब वांस? हाँ। ठीक है, तो मैं उनको कॉल कर देता। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होगा। केन, डाना आ गई है, हमें चल के हाई बोलना चाहिए। Enjoy. Nice meeting you. हाँ, मुझे भी। चलो मजे करते हैं। नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि तुमसे वादा किया है कि गुड बॉय बन के आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज की शाम हम मेरी खुशी और समृद्धि का जश्न मनाएंगे और उसका नाम है कैरन, जो मेरी दुनिया है। और सच कहूँ तो उसने मेरी जान बचाई है। मैं खुशकिस्मत हूँ मेरी बीवी का, मेरी नई जिंदगी का और एक नहीं बल्कि दो होनहार बेटों का, हार्डन और लैंडन। मुझे याद है वो वक्त जब मेरी सबसे बड़ी खुशी हार्डिन को सुनने में थी, जो कि नॉवेल्स के पैसेजेस को सुनाया करता था, और वो भी मुंह जबानी परफॉर्म करके। और वो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, खुशी के आंसू। मेरा बाप एक बेवड़ा था। मैं उस पल को ठीक से बयां नहीं कर पा रहा हूँ।
हम रुक सकते हैं। नहीं कैट, फिर से करो। ये है मुझे आइडिया हार मान लो। अरे यार अच्छा एक बार और, इस बार बताऊंगी। मुझे नहीं पता क्या था वो। इस काम के लिए तो मैं रात भर जाग सकता हूँ। फिर मिलते हैं। मैं मैसेज करूँगा। यार मुझको तो क्लास में कुछ समझ ही नहीं आया, और तुम्हें? हे, हाय, कैसी हो? बॉनफायर के बाद दिखी नहीं। हाँ मैं बिजी थी शायद। अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? अब हम साथ नहीं हैं। आउच, बाय बाय हाई स्कूल। हाँ काफी बुरा था। पर तुमने तो काफी जल्दी मूव ऑन कर दिया। हार्डन कैसा है? क्या मतलब है? कह रहा था कि तुम लोग साथ हो। हाँ हम हैं। कूल। सच में? हाँ मतलब हार्डन अपनी मर्जी का मालिक है। क्या हुआ? ये सब क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? पता नहीं वो किस बारे में बात कर रही है। तुम्हें सच में नहीं पता है क्या? हाँ सच में मुझे नहीं क्या पता। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, मुझे जाना होगा। अभी? हार्डन मुझे जवाब दो, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। चल क्या रहा है? भरोसा करती हो? बिल्कुल करती हूँ। पर तो दिक्कत क्या है?
तुम हार्डन की गाड़ी में क्या कर रहे हो? क्यों, मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठ सकता क्या? जेस, मुझे बताओ हार्डन कहाँ है? शायद वो ब्लाइंड बॉक्स में है। मुझे लगा सब कुछ झूठ था। वो सब पुरानी बात है। किसके पहले? जब से मैं चुटकी बजाई और देखो सब खत्म हो गया।
तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए कभी नहीं बदलेंगी। तो फिर शायद हम दोनों झूठे हैं। हाय माँ। क्या बात है? मैं इस बारे में I'm so sorry, Noha. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ जानता हूँ। मैंने ऐसा कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। हाँ पर यही तो बात है ना? हम बदल जाते हैं और फिर ढूंढते हैं कि हम कौन हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ
क्लास खत्म होने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके इस सेमेस्टर के पेपर से बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब हमेशा ऐसे ही करते रहें, बहुत अच्छे। मिस यांग, ये हार्डिन का सबमिशन है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कि मैं अपने अलावा किसी